हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और हम रीजनिंग की बात कर रहे थे, रीजनिंग में भी बात चल रही थी हमारी काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, जिसमें हम रेक्टेंगल स्क्वायर्स के क्वेश्चन हम कर चुके थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है उनमें तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके आप सॉल्यूशन हमसे पा सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल करा रहा था, पिछली वीडियो में मैंने ट्राइंगल कराए थे, ठीक है। और अभी भी हमारा ट्राइंगल चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा लेवल मैं अब थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये जो फिगर है आप कॉपी में बना लीजिए अपने। ये हमें फिगर दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमें फिगर दे रखा है और इसमें आपको निकालने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के, त्रिभुज कितने होंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, क्या ये इन दो त्रिभुजों से मिलकर नहीं बना हुआ है? देखो, ध्यान से देखो थोड़ा। देखो, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो ये वाला कंबाइंड फिगर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कंबाइंड ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो एक बार बताओ मुझे कि जैसे ये बेस है और ऐसे आपको लाइन दे रखी है, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे होंगे? ये मैंने आपको बताया, सिर्फ क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, 1 + 2 + 3, और उन सभी को प्लस कर देते थे। कैसे? 1 + 2 + 3, यही तो करते थे। कितने हो जाते थे? 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 जो है टोटल आपके ट्राइंगल्स हो जाते थे। ऐसे हम इसमें कर सकते भाई 1 और 2 भाई। अब ये वाला अपना क्या ले लेंगे, बेस आधार ले लेंगे, क्योंकि इस पर लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम कि यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ देखो इससे है और इससे, मतलब अब जो लाइन खींची गई है, मतलब ट्रायंगल के जो आपकी दो बिंदु होते हैं, दो वर्टिसेज होती हैं, वहाँ से आपकी लाइन खींची गई है। तो एक बात, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, थोड़ा सा इधर देखो, इस टाइप से क्वेश्चन किया था, तो मैंने सिर्फ अब इस वाले चित्र में ये फिगर है, इसमें क्या कर दिया है, इस लाइन को, ये वाली लाइन है उसको कैसे कर दिया है, ऐसे, बस कुछ नहीं, इस वाली लाइन को कैसे कर दिया, ऐसे। तो जो हम ट्रायंगल इसमें फाइंड आउट करते थे जिस ट्रिक से, वही ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। पहले तो ये बात याद रखो, जो ट्रिक हमने इसमें यूज करी थी वही ट्रिक यहाँ पर देखनी है। तो पहले इस वाले बेस की बात करेंगे, इस वाले बेस से कितने आपके ट्राइंगल बन रहे होंगे, तो 1 2 3, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे करना है, अब ये वाला बेस ले लो, इस वाले पर कितने ट्राइंगल आपके बन रहे होंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ गए भाई, 6 आ गए, और यहाँ से कितने आ गए आपके, 6 ही, यहाँ से 3 और 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ तो हो गए 6 आपके त्रिभुज आ गए, दोनों बेसों से देख लिया। अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, सिर्फ इस वाले की, इस वाले की बात करता हूँ, तो ये भी तो एक तरीके से आधार हो गया, ये लाइन नहीं हो गई क्या, ये इस तरीके से नहीं है थोड़ा सा, ये यही तो है भाई, ये वाला त्रिभुज मैंने सीधा ऐसे कर दिया है, देखो है क्या नहीं है। तो इस पर भी तो अपने त्रिभुज बन रहे होंगे, तो इनको कैसे काउंट करोगे, 1 2, है क्या नहीं है। अब कैसे काउंट करोगे, 1 और 2, तो कितने हो गए, 1 और 2 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 2, ऐसे 1 2, इस बेस को ले रहा हूँ मैं, इस वाले बेस को, ठीक है। बेस किसकी बात हो रही है, इस वाले की, तो 1 2 1 2, ये वाला भी बेस लेंगे ऐसे ही, ये इस पर भी है 1 2, तो कितने हो गए भाई, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, तो कितने आ गए भाई यहाँ पर, 9 आपके त्रिभुज इन वाले बेसों को लेकर आगे। सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, दो पहले तो ये वाले बेस जो है अपने सिंपल, इन पर जो ट्रिक बताइए उसी से आपको त्रिभुज निकाल लेने, 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 और 6 हमने ऐड कर लिए, कितने हो गए अपने, 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब ये वाला बेस ले रहा हूँ मैं, आधार कौन सा ले रहा हूँ, ये वाले ले रहा हूँ, तो इसके लिए देखो 2 1 और 2 3, ऐसे 1 और 2 3 1 और 2 3, तो कुल मिला के कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ से जो अपने त्रिभुज हो गए वो कितने हो गए, 12 और 9 21, ये आ गए अपने त्रिभुज। अब क्या होगा, कुछ अपने कॉमन ट्राइंगल भी यहाँ पर बनेंगे। अब कॉमन ट्राइंगल कैसे निकाले भाई, अब देखो
अगर आप सिंपल इसको बेसिक मेथड से करने बैठे ना ऐसे काउंट कर करके, तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेगी क्वेश्चन करने में। और आपको ही पता है कि रीजनिंग के लिए तो भाई इतना टाइम होता ही नहीं है, पेपर में 1 घंटे के पेपर में 100-100 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ट्रिक का काम लेना, ठीक है। तो बस देखो ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं पॉइंट डाले तो आपको डालना नहीं है बेसिकली, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए डाल लिए बस, ठीक है। जिन लाइनों से वो जिन पॉइंटों से ये लाइन ड्रॉ हो रही हैं, बस उन पॉइंटों को छोड़ देना है, बाकी सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया भाई। इस तरीके से तो आपने कुल त्रिभुज निकाल लिए, कुछ क्या होंगे हमारे कॉमन भी बनेंगे। तो आपको क्या करना है, जिन पॉइंटों से लाइन खींची गई हैं उन पॉइंटों को, उन बिंदुओं को छोड़ देना, बाकी सबको काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुछ नहीं करना, बस 6 को आपको माइनस कर देना 21 में से, और आपके कितने आ गए, 15 त्रिभुज यहाँ पर आ गए, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना, अब एक बार देखो सारी चीज़ समझा दी, अब एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, पहले ये वाले बेस ले लेने, इस वाले बेस पर त्रिभुज देख लो कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे थे, 3 और 2 5 रेख 6, ऐसे यहाँ पर देख लो इस वाले बेस से 3 और 2 5 रेख 6, 6 6 हो गए दोनों साइड से, ठीक है। 6 और 6 12 अपने, ठीक है। अब वो क्या करना है आपको, ये वाला बेस लेना है, ये वाला बेस लेना है, और ये वाला, बारी बारी से। पहले इसको लिया तो 1 एंड 2, तो 2 और 1 कितना, 3, सेम ऐसे ही इस पर भी 3 बनेंगे और इस पर भी 3 बनेंगे, तो 3 3 3 कितने हो गए भाई, 9 हो गए, 9, तो सभी को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 21। अब क्या होंगे, कुछ हमारे इनमें कुछ कॉमन ट्रायंगल भी होंगे, कुछ कॉमन त्रिभुज भी होंगे, तो भाई उन्हें तो हम गिनेंगे नहीं भाई, एक बार काउंट हो गए, फिर दूसरी बार काउंट करो तो उन्हें तो हटाना पड़ेगा। तो उन्हें हटाने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, जिनसे लाइन खींची गई उन बिंदुओं को छोड़ दो बस, और बाकी सब बिंदु कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए, 6 बिंदु हैं कि नहीं है, 6 बिंदु आ गए, 6 को माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप थोड़े ढीले हो और कुछ नहीं है भाई साहब, एक क्वेश्चन में तो आपको समझ में नहीं आएगा है, कह रहे हो सर ने बस एक क्वेश्चन करा दिया, अभी तो कछु पल लेना पड़ी है, कोई बात नहीं, एक नहीं आपको, आप जितने कहोगे ना उतने क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस जी खोल के पढ़ो। अब आपके पास ये आकृति है, ये शेप मैंने दे दी, आपसे पूछ लिया भाई कुल त्रिभुज बताइए, कुल त्रिभुज कितने होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले ये वाला बेस लेना है, इस वाले बेस पे देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, ऐसे इस बेस पे बनेंगे, ऐसे इस बेस पे, तो कितने बार हो गए, 3 बार हो गया, तो 10 गुणा 3, वो तो भाई बेसिक था, अब तो थोड़ा नेक स्पीड से करना है हमें, ठीक है, हो गया, ठीक है। प्लस अब क्या करना आपको, ये वाले बेस लेने, तो इन पर भी काउंटिंग करोगे, 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, कैसे करोगे भाई, जैसे 1 2 और 1 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, 6, ऐसे इस पे 6 बनेंगे, ऐसे इस पे 6 बनेंगे, ऐसे इस पे 6 बनेंगे, तो कितने, 1 2 3 4, 4 बार हो गया, तो 6 गुणा 4, ये तो कुल आ गए, कुल त्रिभुज आपके निकल आए, लेकिन इनमें कुछ क्या होंगे, कॉमन होंगे, कॉमन कैसे पहचाना, जिनसे लाइन खींची गई जिन बिंदुओं से, उन बिंदुओं को छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को आपको माइनस कर देना है, सिंपल सा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। देखो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 3 करोगे तो 30, ठीक है, प्लस 6 चौक 24, माइनस 12, ठीक है, 24 में से 12 गए, 12 और 30 कितने हो गए, 42। तो इस तरीके से आप त्रिभुज काउंट कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा पॉइंटों से लाइन खींची गई हो तो, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, ज़्यादा अलग नहीं है, देखो इन फिगरों को आप कॉपी में बना लिया करा करो और प्रैक्टिस किया करा करो, कुछ टाइम में आपको क्वेश्चन और
मतलब प्रैक्टिस सेट देने लग जाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन करने लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जितना कराया जा रहा है अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखो, बिल्डअप कर लो उन कॉन्सेप्ट को, ठीक है, फिर क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपके दो शेप हैं, दो शेप मैंने आपको दे दी और मैंने पूछा है आपसे भाई यहाँ पर त्रिभुज देखिए, तो सिंपल सा आपको वही तरीका करना जो मैंने तरीका बताया, तो एक दो तीन, ठीक है, तीन और दो पाँच और एक छः, तो कितना हो गया छः, छः कितनी बार, इस पर भी छः होंगे, इस पर भी छः होंगे, मतलब तीन बार, तो छः गुणा तीन कितना होगा, अठारह प्लस, ठीक है, ऐसे इस पर देखें एक दो तीन, ठीक है, तीन और दो पाँच और एक छः कितनी बार है, एक दो तीन, तो छः तीन अठारह, ये भी अठारह, माइनस कितने करने भाई, जिनसे बिंदु से लाइन खींची गई है उनको छोड़ देना, बाकी सबसे काउंट करने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नौ माइनस कर दो, छत्तीस माइनस नौ कितना होगा भाई, छत्तीस माइनस नौ कितना आ गया, सत्ताईस, मतलब त्रिभुज कितने हो गए, सत्ताईस, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी सोच रहे हो सर अभी तो आपने यही समझाया है, ठीक है, और दोबारा आप यही समझा रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम बचा रहा हूँ, देखना अभी क्या चीज़ होने वाली है, अभी आपको भी पता चल जाएगी। सेम ऐसे देखो, एक दो तीन चार, ठीक है, तो चार और तीन सात और दो नौ और एक दस, ऐसे इस बेस पर, ऐसे इस बेस पर, ऐसे इस बेस पर, कितने होगा चार, तो दस गुणा चार कितने होगा, चालीस प्लस, सेम इस पर करो, एक दो तीन चार, ठीक है, तो चार तीन सात और दो नौ और एक दस, तो दस गुणा चार कितने होगा, चालीस, माइनस माइनस कितने करोगे भाई, जितने पॉइंट हैं उनको छोड़ दे, जिनसे लाइन खींची गई है उनको छोड़ देना है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह माइनस कर दो भाई, चालीस और चालीस अस्सी, अस्सी माइनस सोलह कितना आ गया, चौंसठ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने त्रिभुज जो है, ट्राइंगल जो है, वो काउंट कर लिए। तो इसमें क्या नई बात हुई भाई, सिंपल सा है, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, कुछ नहीं करना, अगर ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, अगर इनसे दोनों से समान लाइन खींची जा रही है, इक्वल लाइन खींची जा रही है, देखो एक दो, यहाँ से भी दो है क्या, नहीं है, और टोटल काउंट करो, एक दो तीन चार, और यहाँ से भी एक दो तीन चार, समान लाइन खींची जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको करना है जितना आ रहा है लास्ट में, जितना लास्ट में आ रहा है, समझ में आ रहा है, काउंटिंग में जितना लास्ट में आ रहा है उसका क्यूब कर दो, और कुछ नहीं है, आ गया आपका 27। ये आपको झंझटबाजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्या आ रही है भाई, ध्यान सुनो, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों से अगर आपकी इक्वल लाइन, बराबर लाइंस खींची जा रही हैं, बराबर रेखाएं खींची जा रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, एक दो तीन जो हाईएस्ट है, जो बड़ा है, उसका क्यूब कर दो, घन कर दो, बस आ गया आपके ट्राइंगल। तो भाई जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें भी करके देख लेते हैं, तो इसमें भी देख लो, देखो कितनी लाइन खींची जा रही है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइन इस बिंदु से और इस बिंदु से, एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसी से, तो भाई यहाँ पर भी ट्रिक काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो सिंपल सा देखो, कितना हाईएस्ट, चार, चार का क्यूब कितना हो गया, चौंसठ, खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, और आप फिर वही तरीका जो पहले मैंने बताया है उस तरीके को आप यूज करने लग जाते हो, ठीक है, तो आपको वो तरीके यूज नहीं करने। जब आपको पता चलेगा कि भाई एक बिंदु से और दूसरे बिंदु से बराबर रेखाएं खींची जा रही हैं, या फिर दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींची जा रही हैं, तो आपको हाईएस्ट पे जाना और सीधे सीधे क्या कर देना है, उसका क्यूब कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ और समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आपने ये लाइन इधर से क्यों खींची, ठीक है, देखो ये तीनों ही जो फिगर हैं, जो तीनों चित्र बनाए, तीनों आपके सेम हैं, ठीक है, समान है, कुछ ऐसा नहीं है कि लाइन इधर से क्यों खींची है, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि त्रिभुज के दो शीर्षों से रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ये आपको देखना है, समझ में आ रहा है, देखो इसको काउंट करोगे तो देखो एक दो, एक दो हो गए, नहीं हो गए, तीन और तीन छः, सेम ऐसे यहाँ से करोगे एक दो, तो तीन और तीन छः है गए, नहीं हो गए, देखो अगर इसमें देखें त्रिभुज, तो देखो दो और एक तीन, तीन गुणा दो मतलब कितना हो गया, छः, सीधे सीधे प्लस, यहाँ पर देखो एक दो,
तो 2 और 1 3, ऐसे ही 2 12 तो 6। माइनस कितना कर दोगे भाई, इनको छोड़ दो बस, 1 2 3 4, तो 4 माइनस कर दिए, 12 माइनस 4 बराबर कितना आ गया भाई आपका 8, इसमें 8 आ गए। अब इस वाले में भी देख लेते भाई, पहले देखो इस वाले के लिए देख लो, ठीक है 1 2, ठीक है ऐसे ही 1 2, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 मतलब कितना आ गया भाई इस बेस से 6 आ गए, ठीक है ऐसे ही देखो। अब कौन सा वाला ले लो, ये वाला ले लो, 1 2, 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 तो कितना आ गए 6, इससे भी 6 हो गए। माइनस कर दो भाई, ये जो लाइन खींची गई है इनको छोड़ दो, ठीक है जिन बिंदुओं से लाइन खींची गई उन बिंदुओं को छोड़ देंगे, बाकी सबको काउंट कर दे, 1 2 3 4 माइनस 4 कितना आ गया भाई 12 माइनस 4 बराबर 8। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन होगा तो ये आपका दूर कर दिया मैंने, ठीक है बस आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के अगर 2 बिंदुओं से लाइन खींची जाती है तो आप किस प्रकार से त्रिभुज निकाल सकते हो, ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हो, ठीक है और जल्दी से जल्दी भी करना, वो भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, ठीक है थैंक यू।